दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आपने अपने घर में अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से कहते सुना होगा, पूजा पाठ का या केवल भगवान की आराधना करके सफलता पाने का ये जो शॉर्टकट है, इस पर बिल्कुल दम नहीं है। क्योंकि भगवान आपके प्रयासों को सार्थक मानेंगे, तभी उसका फल मिलेगा आपको। यही तो घरवाले भी आपको बताते हैं ना। लेकिन हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे कथावाचक से, जो आपको एक सब्जेक्ट में अपने बच्चे को कैसे बढ़िया तरीके से पास करें उसका फॉर्मूला बताते हैं। इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे ने उस सब्जेक्ट में साल भर पढ़ाई नहीं की, किताब भी नहीं खोली उस सब्जेक्ट की, तो भी आपका बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। कथावाचक क्या कहना चाहते हैं, पहले वो सुनिए। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कराएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। ये है कथावाचक प्रदीप मिश्रा, जो बता रहे हैं कि बेलपत्र में शहद लगाकर अगर आप शिवलिंग पर अपने बच्चे से उसको चिपकवा दें, तो फिर आपका बच्चा उस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। वाह, सोचिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश के छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि साल भर जो आपने पढ़ाई की है, एंड ठीक एग्जाम के वक्त उसको लेकर घबराएं ना, उसको लेकर परेशान ना हो, खुद को तनाव की ओर ना धकेलें, तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। और एक तरफ कथावाचक प्रदीप मिश्रा बता रहे हैं कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो बड़े आराम से बेलपत्र में शहद लगाकर और उसे शिवलिंग पर चिपकाकर आप पास हो सकते हैं। सोशल मीडिया में ये कथावाचक जबरदस्त तरीके से वायरल हो गए हैं। वायरल इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि देखिए, इस तरह की बातें आपके घर परिवार में कई बड़े बुजुर्ग, कई पंडित भी करते होंगे, लेकिन अंत में आपके माता पिता यही कहते होंगे कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई ही काम आएगी। दोस्तों, कथावाचक प्रदीप मिश्रा एक टोटका बता रहे हैं, इसको आप आजमा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर साल भर आपके बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो केवल बेलपत्र चढ़ाकर उसका उद्धार होने नहीं वाला है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को थोड़ी पता है कि बेलपत्र शिवलिंग में चिपका है। इस तरह की बातें करके ना केवल हिंदू धर्म का ऐसे कथावाचक मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बल्कि किसी की आस्था और भक्ति का भी मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने आप का साथ देते हैं। आप अपने लिए प्रयास कीजिए मत, और अंत में सोचिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर या बेलपत्र चढ़ाकर आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला है। हालांकि हम सब ने अपने बचपन में ये किया है, लेकिन फल क्या मिलता है इसका और नतीजा क्या आता है, आप जानते हैं। मार्कशीट में मार्क्स वही आते हैं जो आप पेपर में लिख कर आते हैं, और पेपर में आप वही लिख कर आते हैं जो साल भर आपने पढ़ा होता है। इसीलिए साल भर मेहनत कीजिए, और अगर मेहनत में कोई कमी रह गई है, तो ठीक है, एग्जाम्स के वक्त तो कम से कम पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान लगाइए, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के ऐसे बयान पर IAS संजीव गुप्ता ने कहा, मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं? जब भी ऐसी बेहुदा बयानबाजी सुनने को मिलती है, तो यही गाना याद आता है। कथावाचक का अर्थ अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं हो सकता। तार्किक बुद्धि वाले बच्चे धर्म को भी व्यवसाय बनाने वाले लोगों के झांसे में नहीं आएंगे, वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। लेकिन क्या वाकई ये टोटका काम आ सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।